हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एडेनियम पौधे की देखभाल कैसे करें इस विषय में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडेनियम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे बिगनर्स भी ग्रो कर सकते हैं। आइए जानते हैं एडेनियम पौधे की देखभाल की कुछ बातें। पानी, इस पौधे को ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पौधे की मिट्टी नम बनी रहे, बस इतना ही पानी दें। पौधे लगे गमले की ऊपरी 1 इंच गहराई तक की मिट्टी सूख जाने पर पानी डालें। आप सप्ताह में एक बार पौधे को गहराई से पानी दे सकते हैं। धूप, एडेनियम के पौधे को उगाते समय याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है इसे पर्याप्त धूप दिखाना। जब एडेनियम की कटिंग से कुछ पत्तियां निकल आएं, तब पौधे को 6 से 8 घंटे सीधी धूप पड़ने वाली जगह पर रखें। सर्दी के मौसम में क्या करें? एडेनियम का पौधा गर्म मौसम में अच्छे से उगता है। यह पौधा 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में अच्छे से उगता है। यह सर्दी का मौसम नहीं झेल पाता है और इस समय पौधे की पत्तियां झड़ जाती हैं। इसी कारण से सर्दी के मौसम में एडेनियम पौधे को घर के अंदर रखें। एडेनियम की प्रूनिंग कब करें? एडेनियम के ग्रोइंग सीजन में उसकी टहनियां या पत्तियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसी वजह से एडेनियम के पौधे को एक सुंदर शेप में रखने के लिए ग्रोइंग सीजन खत्म होने के बाद पौधे की कटाई छटाई की जाती है। ठंडे मौसम में एडेनियम की प्रूनिंग की जा सकती है। एडेनियम के पौधे के लिए खाद व उर्वरक। गर्मी से लेकर पतझड़ तक एडेनियम पौधे का ग्रोइंग सीजन होता है। इस समय पौधे में हर महीने खाद या उर्वरक देना चाहिए। ग्रोइंग सीजन में एडेनियम पौधे की मिट्टी में आप NPK लिक्विड उर्वरक दे सकते हैं। जब फूल खिलने लगें तब उर्वरक दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस फूल खिलने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व है। एडेनियम पौधे में कीट नियंत्रण कैसे करें? इस पौधे में एफिड्स मिली या माइट्स जैसे कीट लग सकते हैं। आप नीम तेल के छिड़काव से इन कीटों से एडेनियम पौधे को बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।